फर्जी लोन के बाद चेक लेकर किसान को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामला मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल का है। उपमंडल के लांगा समोली गांव निवासी रेलू राम ने इस संदर्भ में जोगिंदरनगर थाना में शिकायत भी दर्ज करवाई है। रेलू राम का कहना है कि जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई है वह अब इसे और इसके परिवार को परेशान कर रहा है। रेलू राम के अनुसार जोगिंदरनगर की एक सोसाइटी ने आरडी और एफडी के बदले लोन देने की प्रपोजल इसे दी। इसने 50,000 के लोन के लिए सोसाइटी के संचालक को 6 ब्लैंक चेक दिए। रेलू राम को लोन तो नहीं मिला, लेकिन सोसाइटी के संचालक ने उस चेक को बैंक में लगाकर बाउंस करवा दिया और इसे लीगल नोटिस भेज दिया। इस संदर्भ में रेलू राम ने 27 अगस्त 2019 को जोगिंदरनगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। रेलू राम का कहना है कि पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला तो दर्ज कर दिया है, लेकिन उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है वह इसका पीछा करके इसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। आज फिर से रेलू राम ने एसपी मंडी को शिकायत देकर कार्यवाही की मांग उठाई है। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि रेलू राम की शिकायत पर जोगिंदरनगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है और उस पर जांच जारी है। उन्होंने बताया कि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उस पर रेलू राम ने प्रताड़ित करने की अलग से शिकायत दी है, जिसे जांच के लिए डीएसपी पदर को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि डीएसपी पदर को पूरे मामले की सही ढंग से जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और मेरा एक बंदे के साथ 4-6 चेक लिए थे और उसमें उसने चेक बाउंस करवा दिए। बाउंस करवाने के बाद मैंने उसको 420 केस लगाया और 504 की धारा 506 केस पंजीकृत हो चुका था। और उसके बाद एक महीने के बाद जब मैं कुल्लू से जोगिंदरनगर गया और जोगिंदरनगर में वो मेरा पीछा कर रहा है और वो मेरे को बार बार तंग कर रहे हैं और मेरे लड़के को भी फ़ोन कर रहे हैं, सुशील कुमार को भी, और मेरे परिवार को भी खतरा है। और इसकी मैं आज 20 तारीख को मैं एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने डीएसपी साहब को ऑर्डर दिया कार्रवाई करने के लिए और इसके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मेरा परिवार इससे बहुत डरा हुआ है और बहुत धमकी दे रहे हैं और पुलिस वाले मिले हुए हैं इसके साथ। रेलू राम ने हमारे पास पहले ही भी शिकायत दी थी, उसकी शिकायत पर हमने 420 आईपीसी के तहत मुकदमा जोगिंदरनगर पुलिस थाने में दर्ज किया है, जिसकी जांच जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी फिर कल मेरे पास एक और एप्लीकेशन उसने दी थी, तो उसने कहा है कि जो जिसके अगेंस्ट पहले उसने एफआईआर दर्ज करवाई है वो उसको अननेसेसरी तंग कर रहा है। उसकी शिकायत को मैंने एसडीपीओ पदर को भेजा है, उस पर जो भी आवश्यक कार्यवाही हो वो एसडीपीओ पदर करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।